फ्रेंड बहुत बहुत स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल के अंदर। दोस्तों आज के इस वीडियो में मेरे पास एक मोबाइल आया हुआ वीवो का, यहाँ पर सिंपली आपको दिख रहा होगा। तो फ्रेंड ये जो मोबाइल है इसका जो मॉडल है वीवो का Y81i इसका मॉडल, और इसके अंदर जो प्रॉब्लम है वो है पैटर्न लॉक का। देख सकते हो यहाँ पे इसमें जो फ़ोन के अंदर जो है पैटर्न लॉक लगा हुआ है। तो चलिए इसको किस तरीके से हम लोग रिमूव करते हैं, वो भी विदाउट बॉक्स, मिरेकल क्रैक से यार। तो वीडियो पूरा देखना, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर देना, ठीक है। तो चलो किस तरीके से इसको रिमूव करते हैं वो मैं आपको इस वीडियो में पहले बता देता हूँ। देखो यहाँ पर कोई भी मैं लॉक मारता हूँ, देख सकते हो यहाँ पे 29 सेकंड का एक टाइमिंग चलने लगा है, जो कि हमको इसका लॉक जो है पैटर्न जो है पता नहीं है, ठीक है। तो चलो सिंपली क्या करते हैं, फोन को यहाँ पर मैं साइड में रखता हूँ, ये ऊपर वाला मेरा फोन है, ठीक है। वैसे मैं जब लॉक दिखाऊंगा वो भी देखो, चलते हैं अपने लैपटॉप स्क्रीन पे, ठीक है। तो यहाँ पे मैं आ गया हूँ अपने लैपटॉप स्क्रीन पे, सॉरी कंप्यूटर स्क्रीन पे। उसके बाद देखो यहाँ पर मेरे पास मिरेकल का क्रैक वर्जन है, इसमें मैं डबल क्लिक करता हूँ और ये जो मिरेकल का क्रैक वर्जन है 2.82 इसको मैं सिंपली यहाँ से ओपन कर लेता हूँ, ठीक है। यहाँ पे मैंने डबल क्लिक किया, अभी ये जो है मेरा मिरेकल का क्रैक वो अभी ओपन हो जाएगा। तो यहाँ पर मैं थोड़ा सा वेट कर लेता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर मैं थोड़ा सा वेट करता हूँ और यहाँ से इसको रिफ्रेश भी कर देता हूँ, ठीक है। चलो तो यहाँ से मैं इसको रिफ्रेश थोड़ा कर देता हूँ, तो यहाँ पर मैं थोड़ा सा वेट करता हूँ। देखो यहाँ पे मिरेकल का आ गया, देखो यहाँ पे मिरेकल जो क्रैक है हमारा वो पूरा कंप्लीट ओपन हो चुका है। और आपको पता है कि इसके अंदर जो आईसी लगी हुई है, देखो यहाँ पे फ़ोन जो हमारा रखा हुआ है इसके अंदर जो आईसी लगी हुई है वो MTK की आईसी लगी हुई है, ठीक है। तो सिंपली करना क्या है, हमको यहाँ पे MTK पे सेलेक्ट ऑलरेडी ये पहले से ही रहता है, सिंपली करना क्या है यहाँ पे फॉर्मेट पे आना है और यहाँ पर जो सिंपली बूट है यहाँ पर आपको सिंपली 8 को सेलेक्ट कर लेना है, यहाँ पे जाना और यहाँ से आपको जो Y83 है ना इसको सेलेक्ट करना है, और ये जो सेफ मोड है इसको अनटिक करके यहाँ पे जो एडवांस FRP इस पर भी आपको क्लिक कर देना, ठीक है। चलो तो ये हमारा सेटिंग हो गया, अभी हम स्टार्ट पे मैंने क्लिक नहीं किया है, ठीक है। उसके बाद सिंपली करना है कि हम अपने चलते हैं डिवाइस मैनेजर के अंदर, और उसके बाद जो फ़ोन हमारा कनेक्ट होता है या नहीं होता वो भी आपको दिखाना बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि आपको पता है कि ड्राइवर का बहुत बड़ा पंगा होता है, ठीक है ना इसके अंदर। तो यहाँ पर देखो मेरा जो है, मैं पहले साइड में इसको रख देता हूँ थोड़ा सा। तो यहाँ पे मेरा जो मिरेकल है इसको मैं ओपन करता हूँ, यहाँ पे मैंने सारी सेटिंग कर दी है, और देखो यहाँ पे हमारा पोर्ट है, ठीक है। यहाँ पर देखो हमारा फ़ोन है, देखो यहाँ पे फ़ोन के अंदर लॉक लगा हुआ है, ठीक है। तो चलो करते हैं क्या, फ़ोन को यहाँ से पहले स्विच ऑफ कर देते हैं। तो यहाँ से क्या करते हैं, फ़ोन को यहाँ से अभी प्रेस करके रखता हूँ और यहाँ से इसको स्विच ऑफ कर देता हूँ, ठीक है। तो यहाँ से अभी ऑफ हो जाएगा, देखो फ़ोन को यहाँ पे ऑफ हो गया है। अभी मैं क्या करता हूँ, इसका जो डाटा केबल है वो यहाँ पे ले लेता हूँ, ठीक है। अभी क्या करना है, यहाँ से सिंपली आपको करना क्या, स्टार्ट बटन पे क्लिक कर देना है, ठीक है ना। यहाँ से मैं स्टार्ट बटन पे क्लिक करता हूँ और यहाँ पर देख सकते हो यहाँ पे लिखा हुआ आएगा, अभी थोड़ा ये ऊपर जाएगा तो यहाँ पे आ गया वेटिंग फॉर USB पोर्ट, ठीक है। तो चलो यहाँ पर देखो फ़ोन हमारा रखा हुआ, इसके अंदर सिंपली करना है कि आपको डाटा केबल बिना कुछ लगा बटन प्रेस किए हुए इसके अंदर सीधा सिंपली घुसा देना है। तो यहाँ से मैं घुसा दिया मैंने इसमें, और यहाँ पर देखो पोर्ट अभी आएगा, देखो यहाँ पर, देखो यहाँ पर भी पोर्ट ले लिया है फ्री लोडर, यहाँ पर देखते हो कॉलकॉम का, यहाँ पर देख सकते हो यहाँ पे वेटिंग फॉर USB पोर्ट, यहाँ पे थोड़ा सा आपको वेट करना है। देखो यहाँ पे स्टार्ट दिया हुआ है, फ़ोन कनेक्ट है ऑलरेडी यहाँ पे पहले से, और देखो यहाँ पे वेट करना और फ़ोन देखो ऑटोमेटिकली कनेक्ट होगा, कुछ नहीं करना है आपको, सिर्फ आपके जो PC है लैपटॉप है उसमें ड्राइवर इंस्टॉल होना बहुत ही ज़रूरी है, ठीक है ना। तो यहाँ पर देखो ये जो, देखो यहाँ पर देखो ये कनेक्टिंग टू एटिंग मोड, और यहाँ पर देखो बिगिंग, यहाँ पर आ जाते हो फैक्ट्री रिसेट डन, देख सकते हो यहाँ पे हमारा फ़ोन है, और देख सकते हो यहाँ पर जो इसका जो रिसेट है वो फ़ोन पूरा कंप्लीट हो चुका है। चलो तो यहाँ पे क्या करता हूँ, मैं इसका डाटा केबल को बाहर निकाल देता हूँ। अभी क्या करता हूँ, ये जो फ़ोन है इसको अभी ऑन कर लेते हैं, ठीक है। अभी ऑन करने के बाद देख लेते हैं इसके अंदर जो प्रॉब्लम था पैटर्न लॉक का वो रिमूव हुआ कि नहीं हुआ, ठीक है। चलो तो यहाँ से अभी हम क्या करते हैं, इसका पैटर्न लॉक देखते हैं रिमूव हुआ कि नहीं हुआ। और यहाँ पे आप सिंपली देख ही सकते हो कि यहाँ पर जो है हमारा फ़ोन है वो फैक्ट्री पूरा रिसेट हो चुका है, देख सकते हो यहाँ पे बिंग फैक्ट्री रिसेट डन, ठीक है ना। कोई भी मतलब ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत नहीं है आपको, बहुत ही ईजी जो है आपका इसका जो फ़ोन के अंदर का जो अनलॉक है वो हो जाएगा, चाहे पैटर्न हो चाहे पिन हो, ठीक है। तो यहाँ पर देखो वीवो लिखा के आ रहा है, यहाँ पर इसको ऑन होने में लगेगा थोड़ा सा वक्त आपको, तो यहाँ पर करना पड़ेगा आपको थोड़ा सा वेट, ठीक है। तो फ्रेंड अगर वीडियो आपको अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक करो, चैनल पर नहीं हो तो सब्सक्राइब कर दो, क्योंकि मैं हमेशा आप लोगों के लिए ऐसी वीडियो हमेशा बनाने की कोशिश करता हूँ, ठीक है ना। नो ट्यूटोरियल, नो कोई टाइटल वाइटल, सीधा वीडियो स्टार्ट करते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पर देखो अभी जो है मतलब ऑन होने में थोड़ा सा टाइम लगेगा, हम वेट कर लेते हैं, तो यहाँ पे थोड़ा सा वक्त लगेगा। खैर मैं वीडियो पॉज नहीं करूँगा, पूरा कंप्लीट आपको दिखा रहा हूँ, ठीक है। चलो यहाँ पर मैं थोड़ा सा वेट कर लेता हूँ। पूरा लाइव दिखा रहा हूँ आपको, जो भी मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ पूरे सारी चीज़ें आपको क्लियर दिखा रहा हूँ, ठीक है। ये इसको अभी ऑन होने में वक्त लगेगा, फिर भी मैं वीडियो को पॉज नहीं करता हूँ, ऑन होने का यहाँ पे वेट कर लेता हूँ।
थोड़ा ऑन होने में टाइम लगेगा, वैसे मैं वेट कर लेता हूँ यहाँ पे। जब बना दो, हाँ 10 मिनट में बना दो। थोड़ा सा वक्त लगेगा, मैं यहाँ पे वेट कर रहा हूँ। अब देख सकते हो वन क्लिक के अंदर इसका जो पैटर्न हो चाहे पीने वो रिमूव हो जाएगा, ठीक है ना। यहाँ पर देख सकते हो ये रिमूव हो चुका है फिलहाल, अभी ये ऑन होने में वेट कर लेते हैं। थोड़ा सा टाइम लगेगा ऑन होने में, वैसे हम वेट कर रहे हैं यहाँ पे। वीडियो थोड़ा लंबा हो रहा है, थोड़ा स्किप कर सकते हैं आप, क्योंकि यहाँ पे ऑन हो रहा है। यहाँ पे थोड़ा सा बाकी भगा भी सकते हैं वीडियो को, मतलब थोड़ा स्किप कर सकते हैं थोड़ा थोड़ा। काफ़ी ज़्यादा टाइम लगा रहा ऑन होने में, ठीक है, काफ़ी टाइम लगा रहा ऑन होने में, फिर भी कोई दिक्कत नहीं। वेट करता आपने पूरा वीडियो, मतलब पूरा दिखाता हूँ आपको लाइव कि मैंने जो किया है वो रिमूव हुआ कि नहीं हुआ, ठीक है ना। मैं वीडियो को पाउस नहीं कर रहा हूँ, पूरा कंप्लीट वीडियो बना रहा हूँ, क्योंकि आपको पूरा कंप्लीट दिखा पाऊँ। जैसे ही ऑन होगा आपको भी दिख जाएगा फिलहाल। वैसे आपको स्क्रीन पर तो दिख ही रहा होगा कि यहाँ पर जो हमारा फोन है वो कंप्लीट फॉर्मेट हो चुका है, और इसके अंदर जो पीनिया पैटर्न था वो भी रिमूव हो गया होगा। एमआरटी ये जो मिरेकल का क्रैक है 2.82 है, ठीक है ना। मिरेकल क्रैक है मेरे पास, कोई भी मतलब डोंगल या बॉक्स में यूज़ नहीं कर रहा हूँ। ज़्यादातर जितना भी होता है, जितनी सारी मेरी वीडियो आती है, ज़्यादातर मैं आपको क्रैक पर ही बना के देता हूँ, ठीक है। तो सिंपली यहाँ पर देख सकते हो मेरा जो फ़ोन है वो पूरा कंप्लीट चालू हो चुका है। यहाँ पर सेटअप फ़ोन आ रहा है, और उसके बाद सिंपली करना क्या, यहाँ पे आपको सेटअप करना पड़ेगा। तो यहाँ से मैं नेक्स्ट करता हूँ इसको, और नेक्स्ट करने के बाद यहाँ से फिर से इसको नेक्स्ट करता हूँ, और यहाँ से एग्री पे क्लिक करता हूँ, और एग्री पे क्लिक करने के बाद यहाँ से मैं स्किप कर देता हूँ। और तो यहाँ से स्किप करने के बाद यहाँ से क्या करना है आपको, मोर पे क्लिक करने के बाद इसको भी एक्सेप्ट जो है कर लेना है, ठीक है। तो यहाँ पे नेक्स्ट करते हैं यहाँ पे, और यहाँ पे फेस के लिए आ रहा है, मतलब फेस मतलब लॉक लगाने के लिए बोल रहा है। तो यहाँ से मैं फिर से इसको नेक्स्ट करता हूँ, नेक्स्ट करता हूँ, और यहाँ पे सिंपली देख सकते हो इस तरीके का आ रहा है। यहाँ पे यूज़ नाउ पे क्लिक करता हूँ, तो सिंपली फ्रेंड देख सकते हो मेरा जो फ़ोन के अंदर पिन या पैटर्न लगा हुआ था वो अभी बिल्कुल ही रिमूव हो चुका। अगर वीडियो आपको अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक करो, चैनल पर नए हो चैनल को सब्सक्राइब करते हो। मिलते हैं कोई ऐसे नेक्स्ट में, तब तक इतना ही, टेक केयर, बाय बाय।